लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं नजारा उस रोड शो का जहां राहुल गांधी रोड शो की शुरुआत, गौरीगंज में दरअसल कांग्रेस का दफ्तर है, वहीं से ये देखिए रोड शो की शुरुआत हुई है। बहुत देर हालांकि, क्योंकि पहले 10 बजे का वक्त दिया गया था, 12 बजे नामांकन दाखिल करना था कलेक्ट्रेट ऑफिस में, लेकिन इसकी शुरुआत अब 12 बजे हो रही है। राहुल गांधी मौजूद हैं और वो झंडा भी एक बार उन्हें दिया गया और वो झंडा उन्होंने हिलाया जिसमें 72,000 का स्कीम, ये देखिए एक तरफ राहुल, दूसरी तरफ प्रियंका, और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ ये पूरा काफिला जिसके जरिए अमेठी को सुरक्षित करने की चुनौती, क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार यहाँ से चुनौती दे रही हैं। और इसी के साथ वापस अब जरा अमेठी पर आते हैं, देखिए क्या इस बार आसान होगा, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पिछली बार से, जैसा कि हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे, मार्जिन ऑफ विक्ट्री यानी जीत का फासला कम करने में स्मृति ईरानी कामयाब रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे रिस्पॉन्स लूँ, सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। अभिषेक, कुछ पता चला इतनी देरी क्यों हुई और इस वक्त कैसा रिस्पॉन्स, और ये 72,000 का झंडा तो पूरे आसमान को नीला कर रहा है। और 72,000 वाला झंडा देख रहे हैं। अब ये भी एक नया आयाम जोड़ दिया गया है, मुझे लगता है इस 72,000 वाले झंडे के साथ लॉन्च करने की पूरी कोशिश है सर कि ये स्कीम लोग समझ पाए, गांव तक पहुंच जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि यही वो चुनावी लॉलीपॉप है, चुनावी झंडा बन गया है, हाथ में थमाइए और वोट लीजिए। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया अंजना, साउथ के चुनाव में आप देखती होंगी किस तरह से लोक लुभावन स्कीम्स लाई जाती हैं। हालांकि जिस बड़ी प्रत्याशा से ये 72,000 वाली स्कीम लाई गई थी और अपोजिशन ने इस पर जिस तरीके के सवाल उठाए, मुझे लग रहा है पब्लिक इससे बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हो पा रही। हालांकि जिस इस प्रदेश में जहां 80 सीटें हैं यहां का नहीं, हेमंत जी, लेकिन अभी तक देखिए अब ये जो अपने विज्ञापन चलाते हैं उसमें तो न्याय लिखते हैं, लेकिन 72,000 सीधा रुपया लिखना, मुझे लगता है कि आज मार्केटिंग थोड़ी जोर पर है, मतलब इसके बाद तस्वीर बदल सकती है। आज मार्केटिंग में जान फूंकने की कोशिश है अमेठी से। अंजना, आपको एक बड़ी बात बता दूं, आपने जिक्र किया और सही किया कि जो नीला झंडा है, जो हाथी वाला झंडा है, जो मायावती का झंडा है, बहुत सख्त इनसे नाराज हैं, लेकिन इस अमेठी में न तो मायावती कोई कैंडिडेट है, न समाजवादी पार्टी कोई कैंडिडेट है, पिछली बार भी नहीं था, और जो परिस्थितियां हैं इनको समाजवादी पार्टी और मायावती के वोटर्स की सख्त जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप 5 साल में सीधे 25% वोट कम होते हैं और मात्र 12% वोट से जीतते हैं, 1,08,000 वोट जीतते हैं, और आपके कमज़ोर पब्लिक कनेक्ट को समझ करके अपोजिशन आप पे हमलावर होता है, तो आपके सामने सीट सुरक्षित रखने की चुनौती होती है। राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दो जगहों से लड़ रहे हैं। और एक बात और बता दूँ, पिछली बार मार्जिन बहुत कम हुआ, बचे हैं, ये जाहिर होने लगा था, और भारतीय जनता पार्टी ने कैसे मतलब कह रहा था? पिछली बार का मार्जिन का आंकड़ा अपने दर्शकों को बता दें हम, देखिए जब वो 2009 में यहाँ से जीते तो 71.8% वोट से जीते जी। लेकिन जब स्मृति ईरानी ने चुनौती दी उसके बाद उनका वोट प्रतिशत सीधा 71.8 से गिरकर 46.7 हो गया। इवन जो पहला चुनाव यहाँ जीते थे अंजना, हाँ। 2004 में 50% वोट से जीते थे और जीत का मार्जिन 2,91,000 के आसपास था, लेकिन क्रमशः आप देखिए ये 2009 के बाद घटता जा रहा है। और दो मैं एक एक प्रदेश आपको खाली बता दूं, आप कन्विंस हो जाएंगे बहुत चीज़ों से, हाँ, जल्दी 2014 में इनका पब्लिक कनेक्ट कमजोर देख करके भाजपा ने सघन घेरेबंदी की थी, आरएसएस का क्षेत्र प्रचारक वो कैंप कर रहा था, 4 जिलों की बागडोर यहीं से देख रहा था, नरेंद्र मोदी ने यहाँ सभा की थी, और भाजपा का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं था इस देश का जो अमेठी में आया हो। तो पिछली बार राहुल घिर गए थे और स्मृति ईरानी ने लगातार यहाँ लोगों से संपर्क बनाए रखा। यही सवाल है, इसी पर हम चर्चा करेंगे चौहान जी से भी, कि उपाध्याय जी और मुदित माथुर भी हमारे साथ हैं, कि
क्या वाकई जो यहाँ पर स्मृति ईरानी बार बार आती रही और कहती रही हम देखिए वायनाड चले गए, अमेठी के बीच बीच में वो हारने के बावजूद आती रही, उसका असर होगा? लेकिन उससे पहले एक बार चलते हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अब रोड शो की तस्वीरें आ रही हैं, लगभग कितना ये पूरा फासला है जो वो तय करेंगे, कब तक कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँचेंगे, और महत्वपूर्ण होगा ये भी देखना और समझना कि ये जो नीला किया जा रहा है नीले आसमान को 72,000 वाले झंडे से, इस पूरी स्कीम की मार्केटिंग में आज अमेठी में पूरी ताकत झोंक दी गई है। हाँ बिल्कुल अंजना, देखिए हम इस वक्त जो जिस रथ पर इस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनका पूरा परिवार सवार है, ठीक उसके आगे चल रहे हैं। और ये आंखों देखी तस्वीर है, आप देखिए वो जो रथ बनाया गया है जिससे नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी, उस पर प्रियंका गांधी बिल्कुल लाल साड़ी में हैं, उनके दोनों बच्चे हैं, राहुल गांधी है और रॉबर्ट वाड्रा है, प्रियंका वाड्रा के बेटे और बेटे भी साथ में हैं। देखिए पूरा परिवार, इस परिवार का एक रिश्ता रहा है और उसी को दिखाने की कोशिश भी है, ये दोनों भी शामिल हो रहे हैं, तो पूरा परिवार एक ऐसी तस्वीर सामने रखने की कोशिश। अभिषेक अपनी बात पूरी कीजिए और आपको वहां से जो दिख रहा हो वो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, देखिए एक तो चारों तरफ जो कांग्रेस पार्टी के लोग जो राहुल गांधी के समर्थक हैं वो लगातार राहुल राहुल के नारे लगा रहे हैं, और उनके साथ साथ वो काफिला चल रहा है जिस ट्रक पर इस समय पूरा का पूरा जो गांधी परिवार का कुनबा है, हालांकि उसमें सोनिया गांधी नहीं है, बाकी तमाम लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी उसके अलावा उनके दोनों बच्चे साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा, ये तमाम लोग सब इस वक्त उस पर दिखाई दे रहे हैं, लोगों का अभिवादन ले रहे हैं, जगह जगह से फूल बरसाए जा रहे हैं, दोनों तरफ लोगों की मौजूदगी आपको दिखाई देगी, जो अपने छतों पर खड़े हैं वहां से अभिवादन हो रहा है, और हजारों की तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो राहुल गांधी के समर्थक हैं, ये तमाम लोग इस वक्त चल रहे हैं। हम लोगों ने तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी अभी तक तय की है और ये 2 किलोमीटर और चले गए, यानी कि 3 किलोमीटर का ये पूरा फासला है और इसमें लोग खचाखच भरे पड़े हैं। अमेठी है और अमेठी में बहुत चौड़ी सड़कें लखनऊ जैसी नहीं है, लेकिन अमेठी के ये सड़क पूरी तरीके से इस वक्त हमें भरी हुई दिखाई दे रही है, गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत हो रहा है। अंजना एक जो चीज है वो है टी शर्ट और झंडे, जो कि 72,000 के न्याय स्कीम की टी शर्ट के झंडे हैं, उसमें राहुल गांधी की तस्वीर है और 72,000 का जो उनका झंडा है वो दिखाई दे रहा है हर लोगों के, हर शख्स के हाथ में। इसके अलावा ऐसी ही टी शर्ट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहन रखी है, जोश जुनून उमंग इस वक्त हमें पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अगर नजर दौड़ाएं तो ये पूरा का पूरा परिवार पहली बार इस तरीके से अमेठी की सड़कों पर है, जब प्रियंका गांधी की बेटी, प्रियंका गांधी के बेटे रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, ये तमाम लोग इस रोड शो में एक साथ चल रहे हैं। तो राहुल गांधी के कार्यकर्ता समर्थक लगातार इस रोड शो में चल रहे हैं, कुछ देर बाद हम कलेक्ट्रिएट पहुंचेंगे गौरीगंज के, जहां पर वो उनका नामांकन होगा, वो नामांकन दाखिल करेंगे। ये तकरीबन 10:30 बजे ये शुरू होना था, लेकिन इसमें 1.5 घंटे की देरी हुई है अंजना। प्रियंका गांधी पहले रायबरेली से सीधा मुंशीगंज गेस्ट हाउस पहुंची हैं अपने बेटे के साथ, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा आए हैं, राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, और उसके बाद पूरा परिवार जब मिला है तब ये यात्रा शुरू हुई है। अंजना बिल्कुल मैं लौटूंगी अभिषेक आपके पास, क्योंकि अभी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, 2-3 किलोमीटर अभी है जो फिर से पूरी दूरी तय करनी है। चौहान साहब आपसे एक प्रतिक्रिया, देखिए पूरा परिवार है और ये वो परिवार कनेक्ट है, प्रियंका वाड्रा भी हैं, उनकी दोनों बच्चे भी हैं, राहुल हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी आज उन्होंने पोस्ट भी किया था कि परिवार को समर्थन दीजिए, परिवार के साथ रहिए। अब रॉबर्ट वाड्रा है तो अमेठी वालों को सचेत हो जाना चाहिए कि उनकी जमीनें बचेंगी कि नहीं बचेंगी, क्योंकि राहुल गांधी ने भी सम्राट बाइसिकल की जमीन कब्जा कर ली थी, जिसको स्मृति ईरानी के प्रयास से पुनः UPSIDC को वापस हुई है। अब अमेठी के लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अपनी जमीनों को देखें, रॉबर्ट साहब आ गए हैं तो जमीन जा सकती है। अब पूरे खानदान को अमेठी में उतरना पड़ा। एक और नई बात मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वायनाड में हरा झंडा था, अमेठी में नीला झंडा दिखाई दे रहा है।
अब ये क्या संकेत देना चाहते हैं राहुल गांधी जी, ये तो आप उनके प्रवक्ता होते तो उनसे पूछती। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ भी उनको हरा झंडा मुस्लिम लीग वाला लगा के आना चाहिए था, अमेठी वाले हो ताकि ध्रुवीकरण होता, आपको फायदा होता। फायदा तो तो वो आप तो अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, आपके लिए करेंगे नहीं, नहीं। कुछ तो आप लोग भी कीजिए। ये देखिए भगवा आपने पहना हुआ है, वाई नाट वाला झंडा भी यहाँ दिखाई दे रहा है। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। ये 72,000 वाली स्कीम अगर चल जाती है, क्योंकि जिस तरह से आज देखिए वहाँ पे नीले झंडे आसमान में लहराए जा रहे हैं और सब पे ₹72,000 लिखा है, याद कीजिए राजनाथ सिंह उस वक्त अध्यक्ष थे और पूरी कोशिश आपकी पार्टी ने की थी और 10 साल भ्रष्टाचार ये वो, लेकिन कुछ काम नहीं आया था क्योंकि कर्ज माफी कई इलाकों में कांग्रेस को बहुत फायदा पहुंचाकर जिता लाया था। कहीं वो फिर से ना हो जाए इस 72,000 का चक्कर, इसके चक्रव्यूह को कैसे भेदिएगा? देखिए 72,000 देने के लिए 282 सीटें चाहिए और कांग्रेस के राहुल गांधी जी लड़ कितना रहे हैं, 236 के आसपास, जो पूरी सीटें लड़ ही नहीं रहा है उसको बात उसको देना थोड़ी। अरे उनको तो कहना चाहिए था 72,00,000 देने वाले, क्योंकि मिलने सीट मिलने वाली नहीं है। जब प्रधानमंत्री बनना नहीं है तो झूठे वादे करते जाओ, और उनके वादे अमेठी की जनता भी देख चुकी है। 15 साल से खुद सांसद हैं, दो किलोमीटर सड़क नहीं बना पाए। उनके जो यहाँ लोग हैं, एक सड़क को 3-3 बार उस पर टेंडर करके पेमेंट ले चुके हैं, तमाम भ्रष्टाचार, जमीनें कब्जा कर चुके हैं, चाहे जायज के बालिका इंटर कॉलेज की हो, चाहे सम्राट बाइसिकल हो। अच्छा, उनके दोनों बच्चे भी हैं? हाँ, पूरा खानदान। और कुछ बचा हो तो इटली से कल बुला के आ जाएंगे, कल हो सकता है रायबरेली में आ जाएं, क्योंकि सोनिया जी का नामांकन कल रायबरेली में होना है, जो बचे होंगे वहां से आ जाएंगे। ये लुटेरों की गैंग है। प्रवक्ता यहां होना चाहिए था जो आपकी बातों को डिफेंड करे और अपनी पार्टी की भी बात रखे, क्योंकि एक पक्ष की बात सिर्फ नहीं होनी चाहिए। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त राहुल गांधी का ये पूरा काफिला, जिसमें प्रियंका वाड्रा, उनके दोनों बच्चे रॉबर्ट वाड्रा, सब मौजूद है। परिवार का रिश्ता, पारिवारिक रिश्ते को मजबूत